अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो आज मैं ना सुबह सुबह नाश्ता बनाने लगी हूँ। मेरे साथ एक काम फ्रेंड को हो गया, हुआ ये है अभी मैं कल दूध फ्रिज में रखना गई भूल, तो दूध फ्रिज में रखा लेट, तो आज मैं नाश्ते के लिए निकाला, दूध हो गया ख़राब। अब मैं दिखाती हूँ मैं उसका क्या करूँ जी। ये दूध दूध है 2 kg, 2 किलो दूध लेके आए थे कल हम। तो मैं चली गई थी मोइज़ की दादों के घर, दूध किचन में पड़ा रह गया, दूध गलती लग गई। तो आज के दूध निकाला नाश्ते के लिए, तो दूध से ना खट्टी खट्टी स्मेल आ रही। तो इसको मैं बॉईल करके इसको सही भी मतलब कर सकती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इसके अंदर डालूँगी मीठा सोडा तो ये सही हो जाएगा, पर मैं नहीं करूँगी। मैं इसका बनाऊँगी दही, इसको ठंडे को ही फ्रिज से मैंने अभी निकाला है, इसको मैं जाग लगा दूँगी। जो बाकी दही हम बनाते हैं उसको हम गर्म करके दही लगाते हैं, जाग जो कहते हैं, इसको ठंडे को ही लगाऊँगी। इसका मैं दही बना के फिर मैं इसका मक्खन बनाऊँगी, मक्खन बना के फिर मैं देसी घी बनाऊँगी, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। कि दूध ख़राब हो जाए तो गिराया ना करें, यूज़ कर लिया करें, इसके बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। इसमें मतलब थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल के तो मैं गर्म कर लूंगी दोबारा, तो भी ये बिल्कुल दूध सही हो जाएगा। नहीं बहरहाल मैं नहीं करूंगी, मैं दही बना लूंगी, मुझे उसकी ज़रूरत है, घी की ज़रूरत है, मैं घी बना लूँगी। चलें जी, मैं दोबारा आप लोगों के साथ अब दही में लगाती हूँ इसमें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं जाग लगा रही हूँ। ये देखें दही मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दी है। अब मैं इसको 3-4 घंटे के लिए रख दूँगी, जब ये दही बन जाएगा फिर मैं ना इसका बनाऊँगी मक्खन। ये देखें जी, माशाल्लाह जो मैंने सुबह जाग लगाई थी दही को, जो दूध मेरा ख़राब हो गया था उसका, ये देखें जी दही गया बन। चम्मच पकड़ ज़रा उधर से, सीधा मोबाइल रखो। ये देखें जी दही बन गया। अब मैं इसका बनाऊंगी, ज़रा ठहर जाए थोड़ा सा और बन जाएगा, इसकी मैं बनाऊंगी मक्खन। तो बाद में फिर मक्खन मैं बना के आप लोगों को दिखा दूंगी। फिर देखे मैंने ज़ाया नहीं किया, इसका अच्छा खासा घी बन जाना, देसी घी बन जाना, मक्खन बन जाना है इसके। वो क्या कहते हैं, मैं ना ख़राब करती तो रसगुल्ले बना लेती, इसका खमीर बना, पता नहीं बड़ा कुछ बन जाता है। ये देखें जी दही माशाल्लाह मेरा बहुत सोना बन गया है, जो मैंने दिखाया था ख़राब दूध का, मैंने ये दही बनाया है। तो ये देख लें दही माशाल्लाह इतना अच्छा बन गया। अब मैं इसका बनाने लगी हूँ मक्खन। मक्खन मैं बता देती हूँ, वही सिंपल तरीका है, जग में डाल लें, इस जग में मैं डाल लेती हूँ। चलो मैं डाल कर, जग में मैंने दही डाल लिया। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर आपके ऐसे ही निकल जाए ठीक है, नहीं तो गर्मी है थोड़ा सा आप ना इसमें ठंडा पानी डाल लें। ये देखिए जी, ये जी ग्राइंडर है, वो आपको पता है जैसे चलानी है, अब आवाज़ आएगी तो मैं बाद में दिखाती हूँ जी। मक्खन मैंने निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मेरी बन गई है, ये देखें, ये बर्फ़ है, ये मक्खन का पेड़ है। मैं भला क्या करती हूँ, मैंने वो जो दूध ख़राब हुआ था उसको मैंने जाग लगाई, जाग लगा के मैंने उसका दही बना लिया, दही बना के अब मैंने उसके बनाई है मक्खन। मैंने ग्राइंडर में डाल के तो वो मक्खन ली निकाल ली है, निकाल के तो अब मैं ये लस्सी है, मतलब इसी में डालती गई हूँ ना, निकाल निकाल थोड़ा सा ठंडा पानी डालती गई और निकालती गई। और ये बर्फ़ के साथ ही ये जो मक्खन होता है ना, ये फिर फ्रीज हो जाता है, पकड़ने की वो आसानी होती है। मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी माशाल्लाह, ये देखें जी 2 किलो वो दूध था जो मेरा ख़राब हुआ है, उसका मैंने ये इतना बड़ा मक्खन का पेड़ा डाल लिया, बना लिया सॉरी, और बर्फ़ डाली इसलिए भी देखे अब ये फिसल नहीं रहा, मक्खन फ्रीज हो गया। अब मैं डाल दूँगी इस डब्बी में, ये देखें जी। तो ये ज़ाया ही कर देना था, हमने गिरा देना था, मेरा बना के दिखाना, ये भी है बीच में दिखा के बना के दिखाना, यही था मकसद भी। दूध एक तो नाली में चला जाता, दूसरा अपना किसी काम का ना काम नहीं आता। तो अब ये देख लें, ये देखें जी मेरा मक्खन का पेड़ा इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह, मैंने बना लिया है, ये जो दूध ख़राब था उसका बनाया है। तो आप लोग भी इसी तरह बनाएं, ज़ाया ना करें। दूध भी नाली में जाना था, नाली में चला जाना था, मैंने सिंक में गिराना था, वो नाली में जाना था, नाली से आगे गटरों में चले जाना था,
तो वो खुदा का नूर है, अल्लाह पाक ने हमें वो ऐसी चीज़ नवाजी है जो जिसकी हम नहीं बेहरमती कर सकते, दूध को ज़ाया नहीं करते। तो वो ख़राब हो गया, बस ठीक है, मैंने उसके मतलब उसके मैं रसगुल्ले भी बना सकती थी, कुछ और भी बना सकती थी। तो मुझे आज काम बहुत थे, मैंने घर की ग्रोसरी लेने जाना था, इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी यही काम मुझे सूझा, मैंने दही बना लिया और ये मक्खन का पेड़ा देखे कितना बड़ा। घी मैंने इसलिए नहीं बनाया, ये यूज़ हो जाएगा, मैं फ्रिज में रखूँगी और मैं ये सालन में डाल दूँगी, बच्चों को पराठे बना दूँगी। चलें जी। अच्छा जी, मेरी ये दूध वाली फटे हुए दूध वाली वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप भी ऐसा किया करना भी, मतलब फेंके ना, दूध ख़राब हो जाए तो उसका कुछ ना कुछ बना लो। मैंने तो आज मक्खन बना लिया है, तो मईज़ के बगैर वीडियो बनाना मुझे बहुत बड़ा काम लगता है, तो पर क्या करें, मईज़ की स्टडी भी ज़रूरी है। अब वो बेचारा गया हुआ अकेडमी, उसने बहुत लेट आना है, रात 9 बजे आना है, तो तब तक मुझे भी दें इजाज़त। अगर वो आ गया तो फिर मैं वीडियो का एंड करूँगी, तो तब तक इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, बाय। खुश रहिए, प्यार बांटिए।